शर्मा अब स्टार प्रचारक हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी स्टार प्रचारक है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। वसुंधरा राजे भूपेंद्र यादव भी स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किए गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम इसमें शामिल है। दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा भी स्टार प्रचारक है। तो बीजेपी ने अपनी जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उसमें ये तमाम बड़े नाम शामिल किए गए हैं। वसुंधरा राजे हो, दिया कुमारी हो और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को उपचुनावों के परिणाम सामने आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का भी नाम शामिल इसमें किया गया है और बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है ये तमाम नाम उसमें शामिल किए गए हैं। वसुंधरा राजे भूपेंद्र यादव भी स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। ये सभी स्टार प्रचारक जो है उपचुनाव को लेकर पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे, पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे और उनसे वोट की अपील बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी को लेकर समर्थन की अपील की जाएगी। 13 नवंबर को जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी की ओर से अपने स्टार प्रचारकों की ये सूची जारी की गई जिसमें तमाम दिग्गजों के नाम शामिल किए गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा स्टार प्रचारक होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्टार प्रचारक होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर स्टार प्रचारक होंगे। वहीं कर्मचारियों को सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से